हेलो एवरीवन, कुक जीत और फैमिली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आपको भी अगर कुछ चटपटा खाने का मन करता हो तो आज की रेसिपी को एंड तक देखिएगा। पत्ता गोभी प्याज का डबल फ्राई पकोड़ा खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, और आप अगर इस तरीके से बना लेंगे तो सब आपकी तारीफ ही तारीफ करेंगे। तो चलो दोस्तों, इस रेसिपी को शुरुआत करने से पहले, मेरे वीडियो में न्यू आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, बेल घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहेगी। तो चलो दोस्तों, फटाक से करते हैं रेसिपी की शुरुआत। दोस्तों, यहाँ पर हम 200 ग्राम पत्ता गोभी लेंगे। पत्ता गोभी को अच्छे से वॉश करके इस तरीके से देखिए बड़ी बड़ी स्लाइस में कट लगा लेना है। बाद में हम दो बड़े प्याज को भी ऊपर के छिलके हटा के बड़ी बड़ी स्लाइस में कट लगा लेंगे। तो दोनों को मैंने पहले से ही कट लगा के रख दिया था ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। दोस्तों, अब पत्ता गोभी प्याज के अंदर चार हरी मिर्च ऐड करेंगे। फोर ग्रीन चिली, कम तीखा वाला मैंने लिया है, आधा चम्मच हींग ऐड कर लेंगे। दोस्तों, अब दो चम्मच ऐड करेंगे काली मिर्च एंड दरदरा कूटा हुआ धनिया। दोनों को मैंने दो चम्मच ऐड किया है मिक्सर जार में, या ऐसे हाथ से कूट लीजिए दरदरा। दो चम्मच रेड चिली पाउडर, एक चम्मच हल्दी पाउडर, और अब हम ऐड करेंगे ज़रूरत के अनुसार बेसन। बेसन आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो दोस्तों, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए बेसन। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। 200 ग्राम के करीब मैंने बेसन ऐड कर लिया था, और ऊपर हम थोड़ा सा गरम ऑयल ऐड करेंगे एक चम्मच के करीब। अब सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और भी दो तीन सामग्री बाकी है जिसको हम बाद में ऐड करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, खस्तापन लाने के लिए और एक चीज़ हम ऐड करने वाले हैं दोस्तों। अब हम धनिया पत्ती ऐड करेंगे। धनिया पत्ती आप कम ज़्यादा ले सकते हो। थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी ऐड करते जाएंगे और बैटर को अच्छे से मिक्स करते जाना है। मैं आपको बाद में बताऊंगी किस तरीके से बैटर बना के रेडी करना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर दो बड़े चम्मच लेंगे चावल का दरदरा आटा। आपके पास अगर चावल का आटा नहीं है तो मिक्सर जार में ज़रूर पीस लीजिए, इससे खस्तापन बहुत अच्छा खासा आ जाता है। आधा चम्मच ऐड करना है बेकिंग सोडा। अच्छे से मिक्स कर लेना है, और देखिए इस तरीके से पकौड़े का बैटर रेडी करना है। पतला बिल्कुल भी नहीं रखना है और ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है, इस तरीके का होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है, आप कौन सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। दोस्तों, हम यहाँ पर डबल फ्राई पकौड़े बना रहे हैं, तो थोड़े थोड़े बड़े बड़े पकौड़े ऐड करते जाएंगे, और ज़्यादा नहीं पकाना है इसको, बस थोड़ा सा पक जाए तो इसको बाद में हमें निकाल लेना है। दोस्तों, देखिए कितना बढ़िया तरीके से पक रहे हैं हमारे पकौड़े। तो इसको एकदम अच्छे से नहीं पकाना है, आधे पके आधे कच्चे इसी तरीके से पका लेना है इस पकौड़े को। बहुत ही बढ़िया खुशबू आने लगी है, तो आप देख सकते हो दोस्तों पकौड़े रेडी होने लगे, तो हम निकाल लेंगे। अब एकदम अच्छे से नहीं पके हुए, मैंने आपको बताया ना कि डबल फ्राई करना है हमें इसी पकौड़े को, तो एक साथ अच्छे से पहले नहीं पकाना है। दोस्तों, इस पकौड़े को हम निकाल लेंगे और पहले तो ठंडा कर लेंगे। थोड़ा सा ठंडा हो चुका है पकौड़ा, तो अब हमें इस पकौड़े को छोटे छोटे कर लेने हैं। देखिए दो दो पीसेस में कट लगा लेना है हाथ की सहायता से ही। बहुत ही जालीदार और बहुत ही खुशबू वाले हमारे पकौड़े बने हैं। तो दूसरी बार मैं फ्राई कर रही हूँ दोस्तों, ऑयल के अंदर ऐड कर लिया है जिसको मैंने दो दो भाग में कट लगाया था ना, वही पकौड़े है, तो दूसरी बार फ्राई हो रहे हैं। तो आप देख सकते हो एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इस पकौड़े का, और डबल फ्राई पकौड़े तो खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। दोस्तों, आप ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा। आप इसको ग्रीन चटनी, टमेटो केचप के साथ, या तो फिर खजूर इमली के चटनी के साथ, चाय के साथ सर्व कर सकते हो। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिए। बाय बाय।